बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आपको बैंगन और आलू के पकौड़े बनाने की आसान और सादा सी रेसिपी बताऊंगी, जिसके लिए मैंने एक बड़ा सा बैंगन ले लिया है, एक अदद आलू ले लिया है, 1.5 कप मैंने बेसन ले लिया है, 2-3 टेबल स्पून मैंने राइस फ्लावर ले लिया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी, 1.5 टेबल स्पून ड्राई कोरिएंडर, 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी ले लिया, थोड़ी सी मैंने अजवाइन लिया, 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून मैंने क्रश चिली लिया। अब मैंने एक बाउल में पानी ले लिया, उसमें एक चुटकी नमक डाल दूंगी। अब आप देख सकते हैं कि मैंने बैंगन को काट लिया, ना ये बहुत बारीक होने चाहिए और ना बहुत मोटे होने चाहिए। अब उस बोल में डाल देंगे जिसमें मैंने पानी और नमक डाला था, ताकि ये थोड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आलू को छील कर उनको भी इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लिया। अब इनको भी मैं उसी बैंगन वाले पानी में डिप कर दूंगी। अब मैंने एक कढ़ाई लेके उसमें ऑयल गरम होने के लिए रख दिया। अब हम एक बॉल ले लेंगे, उसमें सबसे पहले बेसन ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि बैंगन और आलू के पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको चिली सॉस और मिंट सॉस के साथ सर्व करें। अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।